हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो आज है मंडे और आज से आयान का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम है, उसके बाद स्टार्ट होगा क्योंकि हॉलीडे ख़त्म। और आज है सोशल साइंस, मंडे सोशल साइंस रहता है, तो आज मंडे सोशल साइंस है। नॉर्मल क्लास होगा 11 o'clock से। तो हम चारों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आज हमने ब्रेकफास्ट में खाया डोसा, उसके साथ थोड़ा सा नटेला लगा के ऐसे रोल बना के खा लिया है। वो भी अच्छा रहता है, टेस्ट रहता है, बच्चों को पसंद है। तो इन्होंने बोला कि मैं भी ऐसे ही खाऊंगा, तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी ऐसे ही खा लेती हूँ। और थोड़ा सा सुबह का बर्तन और ब्रेकफास्ट का बर्तन है वो धो लेंगे, उसके बाद बाकी काम कर लेंगे। आयान अभी यहाँ पे नहा के रेडी हो गया है क्योंकि अभी उसको थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इनाया को भी मैंने नहला दिया है, तो दोनों रेडी है। और इनका थोड़ा सा अभी ऑफिस का काम है, थोड़ा सा वो करने के बाद वो जिम को जाएंगे। और देखती हूँ आज दोपहर में क्या बनाती हूँ। थोड़ा सा सब्जी है, सब चिकन भी है, पर चिकन नहीं बनाऊँगी शायद आज। आज कुछ सब्जी बना लूँगी, बीटरूट भी है, लेडीज फिंगर है, लौकी है, कुछ ना कुछ तो बना लूँगी, देखते हैं। नया यहाँ पर मम्मी को हेल्प कर रही है और पुदीना क्लीन कर रही है चटनी बनाने के लिए, है ना नया? अच्छे से कर रही है। आयान पीछे बैठ कर पढ़ रहा है, आज से इसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, हॉलीडे खत्म। आज के दोपहर के खाने में है प्लेन चावल, मैंने बच्चों के खाने में थोड़ा सा घी ऐड किया है, भिंडी और आलू की सब्जी, पुदीना और धनिया की चटनी और दाल, प्लेन दाल। तो ये रहा इनाया का, इसको भी दाल लेके आ रही हूँ, पुदीना चटनी खाएगी ही तो दूंगी। इनाया यहाँ पर बैठी हुई है खाना खाने के लिए और आयान यहाँ पर कहाँ है, हाँ हाथ धोने के लिए गया था आयान। तो ये दोनों देख रहे हैं डोरेमोन, डोरेमोन देखते हुए दोनों खाना खाएंगे। दोनों बिस्मिल्ला करो, नया को खिलाना पड़ रहा है। और पुदीना चटनी पसंद है नया? क्या चाहिए? इसको बैठना है, अगर ये बैठेगी तो मैं कैसे खिलाऊंगी इसी में। हाँ यहाँ बैठो, ठीक है। इसको डोरेमोन देखना है ना, इसकी वजह से थोड़ा पीछे आ जाओ, आगे से नहीं देखना, आँख के खराब हो जाए। बस तो इना यहाँ पर बैठी हुई है, थोड़ा सा पीछे आओ, ठीक है। अभी आयान खुद ही खा लेता है, सिर्फ फिश है तो काटा को निकालना पड़ता है, बाकी खाते हैं। हाँ इसको पसंद आ रहा है, पुदीना चटनी पर गिरा रही है। मुझे और देना, ये पहले ये खत्म करो, कैसा है? दाल सब्जी भिंडी दोनों को पसंद है, दोनों को मतलब इनके पापा को भी फेवरेट है। सब्जी में अगर फेवरेट सब्जी है तो भिंडी, और आयान को भी बहुत पसंद है भिंडी। भिंडी में मतलब हर तरह के भिंडी नहीं खाते, अगर कोई नेबर से अपने पास वाले कोई देते हैं ना तो वो लोग नहीं खाएंगे, थोड़ा स्टिकी रहता है ना, वो नहीं रहना है। तो मैं जैसे बनाती हूँ ना थोड़ा स्टिकी नहीं रहता, इसकी वजह से अच्छे से खाते हैं, या फिर भिंडी फ्राई करके भी देती हूँ ना तब भी खाते हैं। वैसे भी सब्जी सबको खाना चाहिए, कोई भी सब्जी या फिर भिंडी ही नहीं। बिल्कुल, एक ऐसा पैकेज जो मुझे पसंद करता है, मैं उसको चलाता हूँ और उसके साथ
नहीं खिलो, देखो मैं बैठी हूँ इधर पास में, देखो वो कौन है? जिया है और नोबिता और सिजुका और ये क्या, ये कौन है? नहीं नहीं ये कौन है, बात कर रहा है ना, एक मिनट रुको, ये कौन है? सुनियो, सुनियो सब पता है ना, है ना इना? और इनके पापा गए हैं जिम को, वो भी आएंगे थोड़ी देर बाद, आज थोड़ा सा इनका ऑफिस का काम था इसके वजह से और थोड़ा लेट हो गए हैं, पर आ जाएंगे 15 मिनट ऐसे शायद लेट हुआ है, अभी टाइम है थोड़ा सा 10-15 मिनट में आ जाएंगे, तब तक ये दोनों काम के खत्म कर देंगे। राइट हैंड, राइट हैंड, सब्जी कौन खाएगा यार? आयान दाल हो, सांभर हो, करी हो, कुछ भी हो, सिर्फ करी और दाल से खा लेगा, सब्जी या फिर चिकन या फिर मटन या कुछ भी रहता है ना वो साइड में रख लेगा और लास्ट में खाएगा। ये एकदम अपने बुआ के ऊपर गए हैं, तो मतलब मेरी मेरे मतलब ननद है ना, जो इनकी बहन है, ट्विन सिस्टर है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, ये और वो मतलब ट्विन है दोनों, तो वो भी जब छोटी थी ना तब बोलते हैं कि वो भी मतलब खाना पहले खा लेती है दाल के साथ या फिर करी के साथ, और नॉनवेज को साइड में रख के लास्ट में खाती है, चिकन हो या मटन है जो भी, और आयान भी ऐसे ही है सेम, और इनाय को अच्छे से मिक्स करके एक ही साथ में खाना है। चाहिए चावल हो गया, चटनी चाहिए, चटनी चाहिए थोड़ा सा, आया उसको बहुत पसंद है चटनी, हाँ ऐसे ही खाते हैं, हमारे घर में सबको पसंद है चटनी। मैं कच्चा मैंगो है ना, रॉ मैंगो, उससे भी बनाती हूँ, हमारे यहाँ पर मिलता है, हर सीजन में ही मिलता है, पर उस दिन मैं आचार बनाने के लिए पूरा कट कर दिया ना, एक भी नहीं रखा मैंने, इसलिए तो आज मैंने इमली डाल के बनाया, इमली का पानी है ना, और थोड़ा सा पानी खाओ, पानी पियो लास्ट ठीक है। तो आज मैं बनाऊंगी आम का अचार, इससे पहले भी मैंने बनाया है, मेरे दूसरे चैनल पर है, पर ये थोड़ा सा अलग होगा, और यहाँ पर मैंने करीब 5 kg आम लिया था, कच्चा आम, उसको अच्छे से काट कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, एक पूरी रात के लिए कम से कम 12 घंटे के लिए मैंने नमक और पानी में भिगो के रखा था, पूरी रात के लिए, एक रात के लिए मतलब, उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने अच्छे से धूप में, कड़क धूप में सुखा लिया है, और आप चाहे तो 2 या 3 दिन भी सुखा सकते हैं, धूप के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे यहाँ पे बहुत कड़क धूप है तो मैंने एक ही दिन में ही सुखा लिया है, और मैंने पानी को जब पूरा रात भिगो के रखते हैं नमक पानी में, वो पानी को पूरा फेंक दीजिए, पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग हल्दी लगा के एक दिन के लिए पूरा धूप में सुखा लेंगे, तो मैंने एक दिन के लिए सुखा लिया है हल्दी लगा के, इसके बाद मसाला में क्या क्या ऐड करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। मसाले के लिए मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स हो गया है, यहाँ पे मैंने लिया है 4 tablespoon मेथी सीड्स, 4 tablespoon सौंफ, 4 tablespoon काला जीरा, 4 tablespoon धनिया सीड्स, 4 tablespoon अजवाइन, 4 tablespoon मस्टर्ड सीड्स, और थोड़ा सा सूखी मिर्ची है, अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे करीब 7-8 लिया है, तो इनको अच्छे से थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा पाउडर मिक्सी में पीस लेंगे, पर पूरा पाउडर नहीं करना है हमें, अभी इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं एकदम दरदरा पिसा है, मैं
शक्कर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। चाहे तो तेल को थोड़ा गर्म करके भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे गर्म करके नहीं, ऐसे ही कच्चा मस्टर्ड ऑयल ही डालूंगी। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 लीटर तेल डाला है, बाद में और चाहिएगा तो मैं डालूंगी। और इसको एक रात के लिए इस पतीले में ही रखेंगे और एक हफ्ते या फिर 10 दिन के लिए हम लोग धूप में, कड़क धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद आचार बन के रेडी हो जाएगा। इसका काम अभी भी चल रहा है और बच्चे यहाँ पे सो गए हैं दोनों। नया कैसे सो रही है देखिए। और कल फिर से आयान का क्लास है, तो अभी हम लोग भी जाएंगे थोड़ी देर बाद सोने के लिए। और जो मैंने आचार बनाया है ना, उसका एक हफ्ते या फिर 10 दिन बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।